दोस्तों जय हिंद। क्या आपने कभी 3D मूवी देखी है? काफ़ी मज़ेदार होते हैं अगर आप कभी थिएटर में गए हो और आपने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया हो तो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें आपके सामने झूल रही हों या आपको छूने की कोशिश कर रही हों या फिर वो गोली आपके ही तरफ आ रही हो और आपको ही लग जाए। अब देखिए ये आखिर होता कैसा है, आज के लेक्चर में हम इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे या इनको जानने की कोशिश करेंगे। 3D का मतलब होता है 3D या जिसके 3 आयाम हो। देखिए जो साधारण मूवीज़ होती है ना, जो नॉर्मल मूवीज़ आप देखने जाते हैं, वो 2D होती हैं। 2D मतलब 2 वाली मूवी। अब ये डायमेंशन क्या होते हैं और इनके बीच अंतर क्या है, आइए इसको समझते हैं। देखिए डायमेंशन का मतलब होता है स्पेस, जबकि किसी विशेष डायरेक्शन को बताता है। ये स्पेस किसी विशेष डायरेक्शन को बताता है। एग्जांपल के लिए लीजिए कि अगर आप 2D डायमेंशन की बात कर रहे हैं या 2D इमेजेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे आप एक कागज़ ले लें और उसमें कोई ड्राइंग करें या उस पर कोई फिगर बना हुआ है, तो वो जो कागज़ पर जो फिगर या चित्र बना हुआ है वो है 2D, मतलब कागज़ की लंबाई और चौड़ाई होती है, मतलब उसके 2 हो गए। लेकिन असली दुनिया में कई चीज़ों की 3 होते हैं और जो 3rd डायमेंशन है उसे कहते हैं डीप, मतलब गहराई। जैसे आप एक क्यूब को ले लें, क्यूब को तो देखा होगा आपने, तो इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और गहराई भी होती है। तो जब आप मूवी देखते हैं तो स्क्रीन 2D होती है, इसमें लंबाई और चौड़ाई मिलती है लेकिन गहराई नहीं होती। इसी वजह से जो सिंपल या साधारण 2D मूवीज़ होती हैं ऐसी लगती हैं जैसे सारी जो भी काम हो रहा है उसी स्क्रीन पर हो रहा है, लेकिन जो 3D मूवीज़ है ना वो गहराई उसमें जुड़ जाती है और आपको ऐसा महसूस कराती हैं जैसे आप उस अनुभव का खुद हिस्सा हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ आपकी ओर उड़ रही हैं या रेन हो रही है, आपके चारों तरफ रेन हो रही हो, तो है ना ये आधुनिक तकनीक कितनी अद्भुत है। तो लोग इस गहराई का आभास और असली दुनिया को थ्री डायमेंशन में देखने का जो अनुभव होता है ना उसको बायनोकुलर विज़न कहते हैं। नहीं, हम यहाँ दूरबीन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो 2 होती हैं ना और इनके बीच में जो गैप होता है आँखों के बीच में वो होता है 3 का। तो आँखों का ये अलग अलग दृष्टिकोण होने के कारण हर आँख दुनिया को थोड़ा अलग नज़रिए से देखती है। हमारा शक्तिशाली दिमाग इन दोनों अलग अलग नज़रिए के इमेजेस को मिलाकर गहराई का एहसास कराता है और दूरी को मापने में मदद करता है। तो अगर आप देखें कि अगर हम अपनी एक आँख बंद कर लें और एक आँख को बंद करके और अगर हम कोई इमेज को देखना चाहें, ऐसा आप करके देख सकते हैं, और फिर हम दूसरी आँख बंद करें उसको खोल दें पहली वाली को और पहली वाली देखें, तो आपको लगेगा कि इमेज शिफ्ट हो गई है लेकिन मैंने तो उंगली को नहीं हिलाया, तो ये सिर्फ कैसे हो गई। तो यही है वो गहराई। तो हमारी दोनों आंखें क्या करती हैं, हमें डिस्टेंस को जज करने में मदद करती हैं, हमें गहराई को जज करने में मदद करती हैं। और हमारा जो दिमाग है ना वो इन दोनों आंखों के इमेजेस को मिलाकर हमें डिस्टेंस का सही से एहसास कराता है, डीप का सही से एहसास कराता है और दूरी को मापने में मदद करता है। ये छोटे छोटे प्रयोग करके अपनी बायनोकुलर आप विज़न को परख सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि आप एक आँख को बंद करें और फिर दूसरे आँख को बंद करें और एक ही सिंपल इमेज को देखें, तो आप क्या देखेंगे। जब आप एक आँख बंद करते हैं और फिर दूसरी आँख बंद करते हैं तो आप ये जो उंगली थी ना वो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हरकत करती ही है। तो क्या आप सोचते हैं कि बायनोकुलर विज़न का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप एक और तरीका ले लीजिए, एक आप बॉल लें और एक दोस्त से उसे अपनी तरफ फेंकने को कहें, तो आप देखेंगे आप उसको आसानी से कैच कर पा रहे होते हैं। लेकिन अगर यही काम आप एक आँख को बंद करके गेंद को कैच करने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत मुश्किल होगी और आप गेंद को कैच कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए साइंटिस्टों के पास एक शब्द होता है जो बताता है कि आपकी आँखें और आपका दिमाग मिलकर 3D में कैसे देखते हैं, और इसी हम कहते हैं स्टेरियोस्कोपी। अब स्टेरियोस्कोपी वही है जिससे जो मॉडर्न 3D टेक्निक है वही स्टेरियोस्कोपी है, लेकिन आजकल कई अलग अलग प्रकार के 3D टेक्निकें यूज हो रही हैं जो देखा जाए तो बेसिकली एक ही काम करती हैं,
अब 3D मूवीज और को देखने के लिए आप देखते होंगे कुछ खास तरह के चश्मों का यूज करना पड़ता है ताकि आपकी आपकी हर आंख को एक खास प्रकार का एक डायमेंशन मिल सके, एक खास प्रकार की इमेजेस मिल सके। तो जिन तकनीकों का यूज किया जाता है और उसके आधार पर जो 3D चश्मे आप पहनते हैं वो विशेष प्रकार के एलिमेंट से बने होते हैं, उनमें अलग अलग रंगों के फिल्टर होते हैं या फिर वो पोलराइड लेंस का उपयोग करते हैं और बाकी काम आपका दिमाग कर देता है। एग्जाम्पल के लिए जो पुराने 3D मूवीज के जो चश्मे होते थे ना वो लाल और नीले कलर के होते थे, एक तरफ लाल एक तरफ नीला कलर होता था, तो उससे हम लोग देखते थे 3D मूवीज को, ठीक है। अब जो नए चश्मे हैं उनमें पोलराइज्ड लेंस का इस्तेमाल करते हैं जो यह ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं कि आप कैसे कैसे अलग डायमेंशंस को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो नए 3D पोलराइज लेंस वाले हैं ना इनमें अलग अलग रंगों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे पुराने वाले में एक में लाल कलर होता था एक में नीला कलर होता था, वैसे यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। तो पोलराइज है ना ये बहुत ही लिविंग एक्सपीरियंस आपको देते हैं और आपका जो अद्भुत दिमाग है ना इन सभी 3D प्रोसेसिंग को बहुत आसानी से गेन कर लेता है और एक शानदार मशीन है आपका दिमाग। 3D मूवी मेकर्स के लिए सबसे कठिन काम यही है कि एक ऐसा कैमरा बनाएं ताकि वो सही इमेजेस को आपकी आंखों तक एक स्क्रीन के थ्रू भेज सके। तो एक अच्छा 3D इमेज लाने के लिए क्या करना होगा, आपको एक ही इमेज के दो विजुअल चाहिए होंगे जो आपकी आंखों से देखने के लिए सही एंगल से फिल्माए जाए। और इसे पूरा करने के लिए जो हमारे जो जो फिल्मों के डायरेक्टर होते हैं उनको बनाने वाले होते हैं ना वो रिक्स का यूज करते हैं। रिक्स का मतलब क्या करते हैं, वो दो कैमरों का यूज करते हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों की ही नकल होती है और उसको इसी डिस्टेंस पर रखा जाता है। अब 3D में एक एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए एनिमेटर्स लगभग वही करते हैं जो हर पर्सन अपने आंख के थ्रू देखने के लिए करता है, सेम वही काम 3D एनिमेटेड मूवीज में किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मज़ेदार अनुभव जो मैंने आपके साथ शेयर किया 3D और 2D इमेजेस का वो शायद आपको पसंद आएगा।